আমাদের যে ক্যাম্প করা হয়েছে সেই ক্যাম্পে আসুন, ক্যাম্প থেকে প্রত্যেকে জল নিয়ে যান, অযথা ভিড় করবেন না, প্রত্যেকের জন্য জল পর্যাপ্ত রয়েছে। তার পার্টি অফিসের সামনে যারা ভিড় করছেন অযথা আপনাদেরকে উদ্দেশ্য করছি, আপনারা এই সামনে রাস্তাটাকে আজকে আমাদের এই পরিবর্তন যাত্রায় প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছে, প্রত্যেককে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে দৈনিক অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। Come on, come on.
कैसा रहा आज का दिन? ये परिवर्तन यात्रा वास्तविक ये प्रमाणित करता है कि बंग प्रदेश का जनता आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए और ये तृणमूल कांग्रेस का जो अत्याचारी भ्रष्टाचारी शासन तंत्र है इसको उखाड़ कर फेंक देने के लिए मन बना लिया है। ये परिवर्तन यात्रा में इतना बड़ा जनज्वार, जो जनता का जो भावावेग, इसको देख करके मैं वास्तविक अभिभूत हो गया हूँ। गांव से लोग कितना दूर दूर से पैदल चलकर आए हैं, रास्ते के किनारे हजारों लोग खड़ा हुआ है और लोगों का हृदय का जो भावना, जो पीड़ा, ये सामने प्रकटित होता है, क्योंकि ये शासन अत्यंत भ्रष्टाचारी है, अनीतिपूर्ण है, दिन दहाड़े हत्या होता है, लुंठन होता है और सर्वत्र ये पीसी चलता है। जो भ्रष्टाचार का चरम नमूना इधर देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में हो या स्वच्छ भारत के पैखाना में हो, लोग आयुष्मान भारत का जो लाभ जो नहीं मिलता है गरीब लोगों को, चिकित्सा के लिए, ऑपरेशन के लिए, हार्ट ऑपरेशन, ट्यूमर ऑपरेशन, ये नहीं मिलता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपया का प्रबंध किया है गरीब रोगियों के चिकित्सा के लिए, लेकिन ये दीदी के अहंकार के कारण नहीं हो रहा है। इसलिए लोग समझते हैं कि भ्रष्टाचार, अन्याय, दुर्नीति, शोषण का प्रतीक है दीदी, और सुशासन, उत्तरदायी प्रशासन, कल्याण, इसका प्रतीक है मोदी। इसलिए दीदी को हटा करके मोदी का शासन यह इधर प्रतिष्ठा करने के लिए जनता तैयार हो गया है। मानुसर ये विशाल उपस्थिति, ये उत्साहवर्धक है, ये प्रमाणित करता है कि गांव में लोगों का हृदय में दिल का धड़कन क्या है। कितना आसन मिलेगा? ये तो मैं कोई ज्योतिष नहीं, भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इधर सरकार हमारा बनेगा और 50% से ज्यादा आसन हमको मिलेगा। जय श्री राम। Oh, my God!